अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। आप देख रहे हैं आप तक की सबसे बड़ी खबर। खबर उत्तर प्रदेश से आ रही, जहां योगी सरकार ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया है। देखा जाए तो प्रजापति समाज यूपी में ओबीसी में मानी जाती थी, अब प्रजापति कुम्हार जैसी ओबीसी की जो जाति थी वो भी अब एससी में शामिल कर ली गई है। योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला आया, जहां पर यूपी सरकार ने 1994 धारा 13 के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का पालन कर इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया है, जिनमें देखा जाए तो केवट, कहार, कुम्हार, कश्यप, धीवर, निषाद, प्रजापति, यहाँ पर जो जाति आ रही है वो पिछली बार ओबीसी में थी, लेकिन इस बार अब प्रजापति अनुसूचित जाति में शामिल कर ली गई है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से माझी समाज के प्रदेश महामंत्री कल्याण सिंह माझी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। क्या कहेंगे कल्याण सिंह माझी जी? हमारा उत्तर प्रदेश सरकार में पहले से बहुत शक्तिशाली संगठन है जी। उन्होंने संगठन के दम पर उत्तर प्रदेश में 17 जातियों को उसमें प्रजापति जाति को छोड़ करके बताया, केवट, कहार, मल्ला, निषाद, भोई, कश्यप, धीमर, जो जातियां हैं वो माझी समाज से ही संबंधित हैं, वो उसमें जोड़ी गई हैं। और जो गरीब तबका का समाज है, जो हमेशा से भटका और भूला है, उसको जोड़ने का काम किया है। और सरकारों ने भी पहले से मांग की थी, लेकिन उन सरकारों ने किया है, लेकिन आज भी कर दिया है। और आज जो आरक्षण दिया गया है उससे इस जाति की जो गरीबी है उसमें मिटाने में योगी सरकार आज कर रही है। वो क्या है, हमारे संगठन के दम पर हो रहा है, हमारे समाज के लोग अब जागरूक हो गए हैं। उसमें कई उत्तर प्रदेश में सांसद और विधायक भी हैं, उनकी दम से, उनकी ताकत से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे लिए आरक्षण कर दिया है जी। कल्याण सिंह माझी जी, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश में आपको कुछ जिलों में आदिवासी के रूप में आदिवासी का दर्जा मिला है, तो क्या जानकारी देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में भी पहले माझी जाति को 8 जिलों में अनुसूचित जनजाति में जोड़ा गया था, लेकिन 1976 के बाद पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में कर दिया गया है जी। और उस समय से आज तक उसकी जो उपजातियां हैं, जो उसके पर्यायवाची शब्द हैं, केवट, कहार, मल्ला, निषाद, भोई, उनकी भी हम पूरे मध्य प्रदेश में पुरजोर अपील कर रहे हैं। और अपने संगठन में ये काम चल रहा है कि हमारी सभी जातियों उपजातियों को माझी आदिवासी में जोड़ा जाए, जिससे हमारा दबा कुचला समाज, गरीब जो जंगल में परेशान और हो रहा है, जो भूखे रोटी के लिए तरस रहा है, वो भी एक समाज हमारा जागरूक होकर के देश के नागरिक, एक संपन्न देश के लिए एक भूमिका निभा सके। क्योंकि एक शरीर में अगर अगर जरा सा भी कष्ट होता है तो वो शरीर स्वस्थ नहीं कहलाता है। इसलिए भारत देश के हम मूल निवासी, हम सभी भारतवासियों से यही निवेदन करते हैं संगठनों से कि हमारा सहयोग करें और इसे अनुसूचित जनजाति में जोड़वाने का सब प्रयास करें। कल्याण सिंह माझी जी, आपने मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी को भी इस संबंध में आप ज्ञापन दे चुके हैं, तो अब तक क्या कुछ अपडेट मिला है, क्या कहेंगे? हमने उनको अपने माझी समाज के बारे में जो उपजातियां हैं उनका, उनको ज्ञापन दे चुके हैं और मध्य प्रदेश शासन से पहले से मांग करते आए हैं। और हम उन्होंने फाइल हमने उनको पूरी अवगत करा दी है और वो अब देख रहे हैं उसमें क्या स्थिति है, वो सर्वे करा करके और उसके उसके लिए अच्छा ही परिणाम निकलेगा। कांग्रेस सरकार कल्याण सिंह माझी जी, इस प्रकार से मेरा सवाल है, तो अभी पूरे मध्य प्रदेश में आप अनुसूचित जाति या आदिवासी वर्ग में नहीं आते हैं, तो कुछ जिलों में ही आते हैं, तो आपकी मांग पूरे मध्य प्रदेश में है या फिर क्या कहेंगे इस संबंध में? पूरे जिलों है, कुछ जिलों में नहीं। माझी ऑलरेडी 29 नंबर पर दर्ज है भारत सरकार द्वारा, वो पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी में आती है, एसटी की सूची में 29 पर दर्ज है, वो पहले से आदिवासी है। लेकिन उसके जो पर्यायवाची है केवट, कहार, मल्ला, निषाद, उनको जोड़ने के लिए हमारी मांग चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारा संगठन काम कर रहा है पूरे देश प्रदेश में, समाज उसमें सहयोग कर रही है और उसके लिए हम सामान्य प्रशासन मंत्री एवं